नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों, आज जिन जिन ने भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, इतने दिनों से जो कसमकस चल रही है कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हम मार्क्स के लिए क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए नहीं होंगे, तो आज वो दिन आ गया फाइनली, जब आप उस एक चीज के लिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है सिर्फ 10 से 12 घंटों के अंदर। तो दोस्तों, आप आज सभी उत्सुक होंगे, उत्साहित होंगे कि हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ बात करते हैं कि आपकी फिजिकल डेट क्या रह सकती है, रिजल्ट कब तक अपलोड होगा, रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, रिजल्ट में कैसे कैसे कॉलम्स होंगे, सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप सबको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अब जब रिजल्ट का टाइम क्या होगा, आप सभी को पता चाह रहे होंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा। तो देखिए, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो अपलोड करना उनका PDF को, उसी के साथ उन बड़ी फाइल्स को अपलोड करने में टाइम तो लगता है, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हैवी फाइल्स को जब आप अपलोड करते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार साइट भी क्रैश हो जाती है, आपकी हैंग हो जाती है, क्योंकि आप सभी एक साथ रिजल्ट देखने की जल्दी में ऊपर नीचे उसके ऊपर जाते हो, जिससे कि सर्वर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और साइट डाउन हो जाती है, तो और आपका रिजल्ट खुलता ही नहीं, सर्वर टाइम आउट दिखाते हैं, आपको लिखाएगा सर्वर टाइम आउट, ठीक है। तो ये एक दो फैक्टर्स होते हैं, ये हमेशा जब बड़ा रिजल्ट आता है, वेटिंग, मोस्ट वेटिंग अगर आपका कोई रिजल्ट है उस वो आता है, तो ऐसा जरूर होता है। तो देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 6 और बिफोर 11, 6 से 11 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप हो सकता है वो 7 बजे डाल दे, लेकिन आपकी साइट ना चल रही हो, आप तक नोटिफिकेशन ना हो, आपका सर्वर टाइम आउट दिखा रहा हो, तो 6 से 11 के बीच में आप अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ 6 से 11 के बीच में आपका रिजल्ट आ गया। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि लंबी फाइल्स है, 15 लाख अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स का रिजल्ट उन्होंने अपलोड करना है। अब रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा ये देखिए, जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, वो इस तरह से मिलेगा। यहां पे आपके रो मार्क्स लिखे होंगे, यहां पे आपके उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क लिखे होंगे, उसके बाद आपका आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं ये लिखे होंगे, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, फादर्स नेम आपका लिखा होगा, इस तरह से आपको रिजल्ट वहाँ पे मिलने वाला है। आपको ये पता लग जाएगा कि आपके रो मार्क्स कितने हैं, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, घटे हैं या बढ़े हैं आपके मार्क्स, साथ में ही आपका फादर्स नेम और एक्स्ट्रा डिटेल्स, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह की आपके पास एक लिस्ट ओपन होके आएगी, ठीक है। ये तो था कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, रिजल्ट कैसा डिक्लेयर होगा। अब बात कर लेते हैं कि जहां तक जैसे स्कैम हुआ था, आपका घोटाला हुआ है, इसमें आपको लगा फर्जीवाड़ा हो गया, क्या रहेगा क्या नहीं, तो जहां तक की संभावना है, जहां तक सभी अपन ने एनालिसिस किया था, हमने भी किया था, आपने भी किया था, कि 60 तक आपका DP में जर्नल तक का हो सकता है, तो इस बार आपको थोड़ा बहुत SSC ने उसी को जितना भी जो स्कैम वगैरह था मिनिमाइज करने के लिए आपकी कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर रहने की संभावना है। पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये वेदर फोरकास्टिंग जैसा है, मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा है, क्योंकि कुछ घंटों में, चंद घंटों में आपके सामने आ जाएगा कि रिजल्ट क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपको अभी पता लग जाएगा, तो इसको अभी डरने की बात नहीं है, लेकिन ऐसी एक संभावना है, ठीक है। ये फोरकास्टिंग है एक तरह की, मौसम की जैसे संभावना लगाते हैं, संभावना जताई जा रही है, ठीक है। इतना अब फिजिकल जो आपका है, अगर आप उसकी बात करते हैं, तो अगर इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको 1 महीना दिया जाएगा, अप्रैल का, मई के अंदर आपका फिजिकल होने की पूरी पूरी संभावना है कि मई के अंदर आपका फिजिकल हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। कमेंट करके आप जिन जिन ने भी अपनी वीडियो देखी है, नहीं भी देखी, वो जरूर बताना कि किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका सिलेक्शन कितनी वजह से रह गया, कट ऑफ में आपने कितना एक्सपेक्ट किया था कि आपका हाँ मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, उससे कितने नंबर आपके ज्यादा है कम आए हैं, वो सभी आप कमेंट करके जरूर बताना।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से रहिए, जो होगा देखा जाएगा और जो होता है अच्छे के लिए ही होगा और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तो हमारी शुभकामनाएं, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपसे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।